हॉस्पिटल लेके गए थे। मम्मा बनाएंगी मक्की की रोटी और सरसों का साग। गाइस ये देखो ब्रूजो आगे आने की कोशिश कर रहा है। हाथ भी संभाला आपने इसको? ब्रूजो दो, ब्रूजो गिव मी, ब्रूजो स्पून दो उठा के। गाइस देखो ब्रूजो कब से इसके साथ खेल रहा है, स्पून के साथ, कभी उठाता है कभी रखता है। तो जैसा कि आपको आज हरू ने बता ही दिया, अद्विक ने, कि आज हम बनाएंगे सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, हम तो ऐसे बनाते हैं। पहले थोड़ा सा जीरा डाल दिया, तेल गर्म हो गया हमारा। अब हम इसमें थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे जो हमने मैश किया हुआ था। बस अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें सरसों का साग डाल देंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और नमक। बस अब इसको थोड़ा सा हम मैश करेंगे और ऑयल में 2-3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। इसके साथ ही हमारा सरसों का साग तैयार हो जाएगा। आजकल के बच्चों को मक्की की रोटी बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। इसको क्या करें, गर्म पानी में थोड़ी देर ऐसे मिक्स करके रख दें। इससे क्या होगा, आपका आटा जो है वो अच्छी तरह बन जाएगा। बस 2-3 मिनट तक आप गर्म पानी में इसको गूंद के ऐसे रखते हैं। इससे क्या होगा कि आप अगर बेलन के साथ इसको बनाना चाहते हो तो बेलन के साथ लोई बना के बेलन के साथ बन जाएंगे, पर मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हाथ के साथ बनाने में। तो अब मैं आपको हाथ के साथ बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा ऐसे करके साइड पे पानी लगाना है थोड़ा थोड़ा, फिर इसको ये 3 फिंगर के साथ दबाना है ऐसे करके। जिसको नहीं आता है, जब गर्म पानी के साथ आपने इसको गूंद दिया तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हो चकले बेलन के साथ, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ हाथ के साथ बनाने में। बस ऐसे करके अब इसको हल्के हाथों से दबाते जाना। ऐसे गोल 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 करते जाओ और हमारी मक्की की रोटी तैयार होने वाली है। बस अब इसको तवे में डाल देंगे, जितना आप कर सकते हो उतना करो। उसके बाद इसको तवे पे डाल दें। बस देखा, बन गई अच्छी सी। बस ये हमारी गोल गोल मक्की की रोटी तैयार, सरसों का साग भी हमारा तैयार है। बस अब सर्व करो और खाओ आराम से मजे से। बस सरसों का साग, मक्की की रोटी, देसी घी, खाओ मजे से और कमेंट करो कैसी लग रही है। गाइस हम गए थे सैर करने, वॉक करने गए थे। वहाँ से हमें रास्ते से फूल मिले और हमने कड़ी पत्ता भी लाया। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो।